है तो ये पड़ोसी अजीब है। पड़ोसी है तो बोलचाल तो होनी चाहिए। आज दिवाली है तो मौका भी है जान पहचान बनाने का, और कुछ नहीं तो कम से कम हैप्पी दिवाली ही बोल देती हूँ। कहाँ जा रही थी आप? मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर सारे दिए कैसे बुझ गए? वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो काला धुआं पड़ोसियों की घर की तरफ जा रहा है। काला धुआं? कौन सा काला धुआं? किस धुएं की बात कर रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले वहां काला धुआं था, मैंने खुद देखा था वो धुआं। मेरा यकीन करो, ये सब मैं नहीं कोई और कर रहा है। आपके अलावा और कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ आप यहाँ आई है तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद है, कोई वजह है। हाँ है, मकसद है, लेकिन उसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ उस डायन के बारे में पता लगाने आई हूँ जो तुम लोगों के पड़ोस में रहती है। कोई है घर में? हेलो, कमाल है, पूरा घर खाली पड़ा है। अभी अभी तो आए थे ये लोग, इतनी जल्दी चले गए। मैं भी चलती हूँ। चैताली, खुद को ही देख के डर गई। डफर स्टुपिड। भगवान, कौन हो? कौन हो तुम? कौन है? झूठ मत बोलो मोना, यहाँ पर अगर कोई काली शक्ति है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरा यकीन मानो छुटकी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कुछ देर पहले मैंने यहाँ डायन मंत्र सुना था। यहाँ आसपास जरूर कोई डायन है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि वो डायन हम सबके लिए खतरा है। भाभी आपको पता है वहाँ पे ना, अभी उधर मैंने देखा। भाभी आप डायन? मैं डायन हूँ, तुम्हारी भाभी नहीं। दिखने में बिल्कुल तुम्हारी भाभी की तरह हूँ, मगर मैं वेदश्री नहीं हूँ, मैं वेदश्री की जुड़वा बहन हूँ। वेदश्री भाभी का डबल रोल? मुझे लगता है मोहना सही कह रही है, यहाँ कोई और डायन जरूर है जिसने मुझे किडनैप करने में देव की मदद की थी। या राइट, बाजू वाले फ्लैट में देव के साथ एक औरत को मैंने भी देखा था। हो सकता है वही डायन हो। लेकिन अगर कोई और डायन है भी तो उससे हमारा क्या लेना देना? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? उसकी दुश्मनी जरूर इस मोहना से होगी, तभी तो ये मोहना उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आई है। अगर उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे होती तो वो आप लोगों के पड़ोस में आके क्यों रहती? तुम जाती हो गया क्यों आई? ये दुश्मनी के लिए जुड़वा बहन है ना मेरी, हालांकि उस बेचारी को ये बात पता ही नहीं। अरे वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी कोई जुड़वा बहन है।
कुछ सालों तक तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ प्रथम आया। मिली हो ना, देखा है ना, जानती हो ना, उन्होंने मुझे वेदश्री के बारे में बताया। माँ को लगता था कि अगर मैं और वेदश्री एक हो जाए तो हम इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं कि फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अगर अंश ने उस घर में देव के साथ किसी औरत को देखा है तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। यह सही कह रही है, चलिए। हाँ। चलो देखते हैं, चलो। बहुत अच्छा, क्या क्या आप आ गई है ना? आप वेदश्री भाभी की जुड़वा बहन है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। मैं भाभी को जाके खुशखबरी बता के आती हूँ, वो आपसे मिलकर बहुत जो अपनी माँ से मिलकर खुश नहीं है वो अपनी बहन को देखकर खुश होगी? हाँ बोलो, नहीं होगी ना? वेदश्री ने माँ के बताए रास्ते पर चलने की बजाय अच्छाई और सच्चाई का रास्ता चुना। माँ की लाख कोशिशों के बावजूद उसने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तो मैं आई हूँ उसे बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए, और इस काम में मेरी मदद करोगी। मम्मी, वो कैसे? फूल्स, इंग्लिश स्पीकिंग डायन। इतनी जोर से कौन चलाता है? मैं क्या? फिंगर ऑन योर लिप्स। माँ क्यों हार गई वेदश्री से? क्योंकि उन्होंने वेदश्री पर वार किया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वेदश्री पर वार नहीं करूंगी, मैं उसके परिवार पर वार करूंगी, और फिर वेदश्री को मुझसे हाथ मिलाना ही पड़ेगा। चाची जी, चैताली तुम यहाँ क्या कर रही हो? पड़ोसियों को हैप्पी दिवाली बोली आई थी भाभी, लेकिन लगता है वो लोग चले भी गए। पक्का यहाँ कोई नहीं है? अगर होता तो आपके सामने होता ना भाभी डायन। चले भाभी। हाँ चलो। यही है छोटू पहलवान की झोपड़ी, चलो अंदर चल के देखते हैं। सोना, शुक्र है छोटू पहलवान सो रहा है, लेकिन माँ हमारे पतिदेव जी कहीं दिख नहीं रहे, यही कहीं होंगे ना? हाँ चलो ढूंढते हैं। वो देख, इतनी सारी सोने की मूर्तियां। हमारे पतिदेव जी को भी मूर्ति तो नहीं बना दिया? हो सकता है, लेकिन ये सारे तो एक जैसे लग रहे हैं, पता कैसे चलेगा इनमें से दामाद जी कौन से हैं?